पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर क्षेत्र मुरादाबाद के प्राथमिक विद्यालय मल्टी सेक्टोरियल स्कूल सोनकपुर में यूनिफॉर्म का वितरण भाजपा पार्षद प्रिया सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि प्रदेश के विद्यालयों की हालत सुधर जाए, जिसके लिए सरकार आवश्यक कदम भी उठा रही है। आज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था सोनकपुर मल्टी सेक्टोरियल स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल है ये, और वहाँ पर ABSA भी मौजूद थी जिनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम रहा। और बहुत अच्छा लगा देख के कि गवर्नमेंट के थ्रू इतने अच्छे अच्छे प्रोग्रामिंग होते हैं, बच्चों को ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मिड डे मील्स जैसे प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रहते हैं। वैसे भी फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। बच्चों के परिजनों से सिर्फ इतना ही अपील करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें और इसी तरीके से उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। प्रिया सिंह ने स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण करते हुए कहा कि ये बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और हमारे मुरादाबाद का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर शिक्षा अधिकारी मीना मनराल के साथ अध्यापक गण मौजूद रहे। हमारे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों को प्रतिवर्ष 2 ड्रेस और जूते मोजे तथा किताबें दी जाती हैं, किताबें और बस्ते जो नए प्रवेश होते हैं। उसी के तहत आज हमने यहाँ पर मल्टी सेक्टोरियल सोनकपुर में ड्रेस का वितरण किया, और इसमें हमारे इस समय यहाँ पर ये विद्यालय हमारा इंग्लिश मीडियम विद्यालय की श्रेणी में भी आ गया है, जिससे कि यहाँ पर अब जो 1 से 5 तक की जो शिक्षा होगी वो पूरी अंग्रेजी में पढ़ाई की जाएगी। और जब से ये हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम में घोषित हुआ है और इसको हम संचालित कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तरोत्तर छात्र संख्या में वृद्धि होती जा रही है, और वो माता पिता जो अपने बच्चों को अधिक फीस दे के प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़ा सकते थे, पर उनका एक सपना होता था कि हमारा बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश स्कूल में पढ़े, उनका वो स्वप्न यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो इसलिए इससे माता पिता भी यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साहित। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।